छतरपुर प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोगों को कोरोना को लेकर सावधान रहने की बात कह रहे थे। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी, लेकिन जिस वक्त वे लोगों को कोरोना नियमों के पालन करने की समझाइश दे रहे थे, उस समय वे खुद मास्क नहीं लगाए हुए थे। यही नहीं, उनके साथ बैठे कांग्रेसी नेताओं ने भी कोरोना नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं समझी। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की और सभी को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की समझाइश दी। लेकिन इस दौरान वह खुद मास्क नहीं लगाए हुए थे और उनके साथ बैठे कांग्रेस नेताओं ने भी मास्क लगाया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। जब दिग्विजय सिंह से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसपास बैठे सभी कांग्रेसी नेता न ही मास्क लगाए न सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं इसलिए मास्क नहीं लगा सकता, मगर कांग्रेस के सभी नेताओं को मास्क लगाना चाहिए, अगर नहीं लगाएं तो इन पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। उधर इस सवाल के बाद कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें देखने लायक थी। दिग्विजय सिंह ने खुद कांग्रेस जिला अध्यक्ष से कहा, जनाब मास्क लगाइए, जिसके बाद आसपास खड़े तमाम कांग्रेस नेता तुरंत अपने मास्क को लगाते नजर आए। ऐसा है, ऐसा क्यों? मैंने मास्क लगा, जनाब लगाइए, कोई नहीं लगाया आपके आसपास? भाई मैं तो लगाता हूँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए लगा रहा हूँ, कोई नहीं लगाया ना? तुम लगाना चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।